नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। आपका जो स्वागत सम्मान में भाई साहब से अनुरोध हो, वो एक बार जिनके पास वो है सम्मान की लिस्ट, अभिषेक भाई साहब से लिस्ट लेके आओ एक बार सम्मान वाली। वीर भूमि पे आपका स्वागत है। ठाकुर कौन सिंह जी ठाकुर स्वर्णपाल जी अम्मो ठाकुर साहब भाईपाल सिंह जी मकराना और ठाकुर विनोद राणा थंबड़ वीर भूमि खेड़ी तलवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, एक बार मैं अनुरोध करता हूँ स्वागत करें और हनुमान सिंह जी हंडोर से वीरेंद्र सरपंच से मेरा अनुरोध है वो भी मंच पर आए और ठाकुर हनुमान सिंह जी का पगड़ी पहना कर स्वागत करें। स्वागत समारोह जी भाई साहब नीचे आओ फिर बाकी और आ रहे हैं उसके फायदे उठो क्षत्रिय भूदंडो में फिर तलवार में है मजबूत होगी। अगर तलवार मजबूत नहीं होगी तो कलम चलाने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। डरा डरा के धमका धमका के कुछ दिल बना दिया आप लोगों को। अरे जिनकी माताओं ने युद्ध लड़ा, जिनकी माताओं ने जोहर करा हो, 14 साल का बच्चा युद्ध में जाकर लड़ता हो आज उसे डराओगे भाई? उसे ये कहोगे कि सरकार चली गई तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे, सब लोग हिंदू हो जाएंगे? 10 साल हो गए, कितने मुसलमान चल गए थे छोड़ गए? अरे हमने पहले मुकाबला करा और जीवन भर मुकाबला करेंगे, ना कभी डरे ना कभी झुके और ना कभी झुके। इसलिए आज हमें अपने को साथियों वोट देने की कसम नहीं है, राजपूत की एकता की कसम है। राज देश हमारा ठेका ले लिया किसी और ने और ठेका ले लिया जालिम ने, फिर छोड़ता नहीं पूरा ना पूरा पाटे ठेके में भी दबला। इसलिए हम आपके बीच आए, अब हमारा निवेदन है आपसे छोटे हैं आपके भाई हैं जो राजपूत एकता के लिए अपने परिवार को एक करने के लिए हमारी इस कसम में शरीक होना चाहता हो कि हम हमेशा एकता के लिए लड़ेंगे, एकता के लिए मरेंगे, एकता में रहेंगे। चाहे गुजरात का भाई आवाज दे, चाहे राजस्थान का भाई, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे उत्तराखंड का, जब भी राजपूतों के लिए आवाज लगेगी हम सब एक होकर लड़ेंगे। निवेदन है सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, एक बार राजपूत एकता के लिए खड़े होंगे। हम किसी पार्टी वार्टी का प्रचार करने नहीं आए भाई, राजपूत एकता के लिए खड़े होंगे। साहब दोनों मुट्ठी बंद करें, हाथ ऊपर करें, दोनों मुट्ठियां बंद करें और एक बार हमारे साथ पहले एक सब नारा लगाओगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब दोनों मुट्ठी बंद करें और ये संकल्प लें कि राजपूत एकता के लिए पूरे देश में कहीं भी आवाज लगेगी हम सब लोग साथ रहेंगे। बोलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अपना आप बोलेंगे साथ पूरी धवनी के साथ, रघुकुल रीत प्राण जाए पर जय जय भारत। आप
आपका जो स्वागत सम्मान मेरे भाई साहब से अनुरोध हो, वो एक जिनके पास वो है सम्मान की लिस्ट, अभिषेक भाई साहब से अनुरोध क्या उनके पास सम्मान वाली। हाँ जी, वीर भूमि तलवाना खेड़ी में ओम भाई एक बार स्टेज पे आए, आप जो लिस्ट है ना अपने पास, वीर भूमि पे आपका स्वागत है। ठाकुर कौर सिंह जी, ठाकुर कौर सिंह जी, ठाकुर स्वर्णपाल जी अम्मो, ठाकुर साहब भाईपाल सिंह जी मकराना और ठाकुर विनोद राणा थंबड़, वीर भूमि खेड़ी तलवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, एक बार मैं अनुरोध करता हूँ, लोकसभा सीटों में करीब 20 लाख से अधिक राजपूत मतदाता है, राजपूत मतदाताओं की एकता एकजुटता के लिए भाई है भैया अनेकों लोग हरियाणा में, यहाँ पर एक घमंडी व्यक्ति को कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का शासन शासक बनाया गया ताना साहब ने, उसने हमेशा राजनीति को नीचा दिखाने का काम किया, गुजरात के बारे में जैसे मेघराज सिंह ने करता है, पूर्णिया पूर्ण सिंह ने करता है, हरियाणा के अंदर इनको एहसास कराना है कि हरियाणा के अंदर देश की आजादी से बात होते हैं, 1964 से हरियाणा बना, एक भी राजनीति ना राज्यसभा में ना लोकसभा, पहले भजनलाल देवीलाल तुलसीलाल का सबका राज रहा ज्यादा अच्छी वास्तव में, परंतु यादव के अनेकों में मंत्री भजनलाल की सरकार में कांग्रेस अच्छी बंसीलाल की सरकार में सुंदरपाल सिंह दोनों मंत्री, उसके अलावा भी अनेकों ने सुंदरपाल सिंह की बंसीलाल की सरकार में विधानसभा के स्पीकर थे, परंतु इस सरकार के अंदर हमको जान बूझ कर अपमान और उनके फालतू पालतू लोग हैं, हम लोगों ने हरियाणा के बस हमने तय किया है कि राजपूत समाज जो इन्होंने कहा कि कमल का फूल हमारे भूल, उसे तो पहले भी मेरे पास ही मतलब तीन राज्यों की सरकार एहसास करा है, हम लोग उनको एहसास करना चाहते हैं, हमारी वोट में कोई अलग से करंट नहीं है, हमारी वोट में अंडर करंट है, अंडर करंट राजनीतियों में हरियाणा के अंदर जवाब देंगे। मैं मुझे पता चला राजनाथ सिंह आ रहे हैं और आ रहे हैं, एक राजनाथ सिंह नाम का एक हमारा बहुत वरिष्ठ नेता इनके पास बचा हुआ है, तो माला पहनाने का नाम आता है काम आता है, तो राजनाथ सिंह जी को माला से बाहर निकाल दिया जाता है, जब देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आता है तो राजनाथ सिंह जी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, परंतु जब आत्मसम्मान की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा हमारे ऊपर अनेकों अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं, हमारे ऊपर अनेकों अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं, यहाँ के लोकल विधायक ने सवेरे फोन किया कल फोन किया, यहाँ के उम्मीदवार हमारे ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी अलग अलग प्रकार के प्रेशर बना रहे हैं, मित्रों ये जो खड़े हैं ना ये शहादत देने के लिए निकले, हम लोगों ने तो सर पे कफन बांधा हुआ है, ये जो पगड़ी आज खेड़ी तलवाना के जिला महेंद्रगढ़ के छत्रपुर ने हमारे को बांधी है, इस पगड़ी का स्मरण करेंगे, उचित प्रभाव आने वाली चुनाव में मिले। लगातार 7 अप्रैल में पहली बार पंचायत में सालों के चुनाव, 19 अप्रैल का पहला चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश के पहली 8 सीटों पर, लगातार पूरे देश में कई बार मकराना जी, कहीं राजशेखावा जी, कहीं अन्य सभी लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था में लगे हुए हैं वो सभी लोग बराबर पूरे देश में जा रहे और एक ही नारा है, एक ही व्यवस्था है कि जिन्होंने अपमान करा स्वाभिमान को चोट पहुंचाई उनसे मिलकर बदला दे। तो जिस प्रकार से बात की जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यानी कि उनका विरोध किया जाए राजपूत समाज की तरफ से, तो किसका समर्थन आपके संगठन कर रहे हैं? जो भाजपा को हरा होगा उसका समर्थन है, चाहे वो कोई भी हो,
तो आगे क्या रणनीति है इस प्रकार के कार्यक्रम आप कब तक जो है लोकसभा चुनाव बिल्कुल लास्ट स्टेज में आया जब लोग मोदी पर आएंगे जब लोग ठीक वो आगाम की सबसे छोटे भाई भाई आज इस प्रकार की महापंचायत आयोजित की गई है किस उद्देश्य को लेकर आयोजित की। देखिए ऐसा है कि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक सांसद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का शस्त्राणियों पे अभद्र टिप्पणी करता है, उसकी टिकट काटने की मांग की गई। अभी तक टिकट नहीं कटी, वो चुनाव लड़ चुके और पूरे भारत के राजनीतिकों ने एकजुट होकर एक जो एक बात रखी कि हमारी जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करती अक्टूबर उस पार्टी को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे, उसके खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में हम लोग आए हैं राजपूत समाज को ये बोलने की अगर जो जो पार्टी आपकी बहन बेटी की इज्जत का सम्मान नहीं करती, इज्जत नहीं करती जो इतिहास के लिए ऐतिहासिक पात्रों के साथ जो उनकी जातियां बदली जा रही उस पर बात नहीं करती, इतिहास के तोड़ मरोड़ पे बात नहीं करती और किसी भी राजपूत समाज के उत्थान की बात नहीं करती, हम अबकी बार इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल हमारी भूल का हमने नारा दिया है, हम अबकी बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एकजुट होकर हराने का काम करेंगे और हम लोग आज इसलिए खड़े हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं तो किस पार्टी को या जो है संगठन को आप समर्थन दे रहे हैं? कोई भी इनको हराने में सक्षम है हम उनके साथ हैं, किसी भी पार्टी का हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी पार्टी को जिताने नहीं आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए हैं, कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके साथ है जो जिताने में जो इनके खिलाफ जीतने में सक्षम है। क्या जाए किसान वो जो खूब बकवास कर रहे थे राजपूत का बिगाड़ लिया हमारा डेढ़ साल जाटों ने किसान के नाम पे किसानों के नाम पे विरोध प्रदर्शन किया, इनको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। पूरा पंजाब का किसान सड़कों पे रहा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहलवान चार महीने यहाँ दिल्ली पे प्रदर्शन किए कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इनको घमंड आ गया कि हम तो आजे हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। इनका वहम देखिए, इनका अहंकार देखिए कि बहन बेटी की इज्जत पे बात आती है और बड़े प्रधान अभी तक माफी नहीं मांगते हैं क्योंकि कोई भी कोई पाठशाला हो कोई भी कोई संस्था हो उसका जो मेन हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका कोई कर्मी उसका कोई भी कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसको माफी मांगनी पड़ती है। क्या अभी तक प्रधानमंत्री जी कोई माफी आई क्या माफी? कोई मंचों से बोले क्या कि राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ मेरे व्यक्ति ने गलत बोला है मुझे खेद है बोला क्या? अरे बोला क्या भाई? नहीं बोला ना? तो तुम ऐसे तो पूरे दिन ये मंचों पे बोलते हो महिला सशक्तिकरण महिला सम्मान महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मेरा परिवार है पूरे देश, तो क्या राजपूत समाज की महिलाएं उस परिवार में नहीं है क्या? क्या राजपूत परिवार की महिला नहीं है क्या? मैं कल अमेठी जाके आया था स्मृति ईरानी के वहां पर, लोगों ने पूछा यहाँ क्यों आए हो, मगर सबसे बड़ी नेता है महिलाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी की और अगर उसको उसके मुंह से वो महिला सम्मान की बात नहीं करती है तो फिर किस मुंह से ये बोलती है कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी, मैं महिलाओं के हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी होंगी? क्या हमारी महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं है? क्या हमारी महिलाएं वो क्षत्रानियां नहीं है जिनकी कोख से भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण महावीर स्वामी बुद्ध जैसे महान लोगों ने जन्म लिए? क्या महान प्रताप पृथ्वीराज चौहान अनंत पाल तोमर या किंग कहां से पैदा हुए, इन्होंने इनको पैदा किया? क्या उस क्षत्रानियों के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है? मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूं अब की बार एक छुट्टा के साथ पूरे देश में मैसेज की जरूरत है। 1857 की क्रांति हुई क्यों बोले हुए आपको मालूम है? क्रांति तो हुई पर कभी 5 दिन पहले कहा हुई 5 दिन बाद में कहा हुई एक साथ नहीं हुई और अब की बार ये भोका है ये क्रांति है। समय हर सूरवीर को एक मौका जरूर देता है अपनी गुलामी की पेड़ियां तोड़ने का और वो मौका यही है। आपको समझना पड़ेगा हम किसी के समर्थक हो सकते हैं किसी के समर्पण की भावना के साथ हमने जो बीजेपी को उठाया। समर्पण का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कि अपने पास जो भी कोई अस्त्र शस्त्र है अगले के चरणों में रख दो। और समर्थन क्या होता है आपको मालूम है? समर्थन का मतलब आपके पास जो ताकत है और ताकत से अगले के पीछे खड़े रहोगे हम बाहुबली इसके साथ है। आपके पास कुछ है ही नहीं आपने कुछ छोड़ा ही नहीं पहले दिन समर्पित कर दिया। समर्थक बढ़ो समर्पण मत करो
समर्थक बनो, किसी के बनो तो, और इस लेवल पे बढ़ो और बकायदा अपनी जाति बिरादरी अपने कोई भी पॉलिटिकल फायदा को लेकर राजनीति चीज यही है। आज से पहले हमें बोला गया मोदी जी को, एक बहुत बड़ी कवि ने, बहुत बड़े एक दार्शनिक ने बोला कि अगर किसी को प्रभावित करना है या किसी को आपके प्रति कोई दिखाना है तो महंगी घड़ी महंगे कपड़े पहन के जाने की जरूरत नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्या है उसका पता करो और उस पे चोट करो, आपके घर आ जाएगा। और इनका इंटरेस्ट एक ही है राजनीति, अब की बार राजनीति पे चोट करिए। सुरेश पाल जी के अंदर शुभ होना आएगा मार्गन आ रहे मन ध्यान है, ठाकुर पूर्ण सिंह जी के तो मऊ 50 गुना ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि ज्यादा चोट करिए। यूपी यूपी 8-80 MP निकाल है, तो केवल निवेदन आयु है आप लोगों, आप लोग उसको देखो कि ये डरते कैसे। सबसे बड़ी बात ये कि आप राजनीति में जहां वोट हो रहे हो और फिर इनका कोई कैंडिडेट आपके खिलाफ बोल दे और फिर भी ये लोग झुकने को तैयार नहीं। जो लोग 90% तक जिस पार्टी को वोट देते हैं वहां भी ये लोग झुकने को तैयार नहीं, अपने कुछ मानते ही नहीं है, अपने कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इतने कमजोर है क्या हम लोग? अरे भाई इतने कमजोर है क्या राजपूत? नहीं है ना, ताकत दिखाएंगे ना। अंबाला में हर जगह जहां सपूत नहीं है शपथ लेने को तैयार है क्या? मेरे तो शपथ आगे तक जाती क्योंकि पूरी बात तो फिर आपके स्टाइल में पूरण सिंह जी बोलेंगे। मैं तो केवल एक चीज हर जगह करता हूँ कि आपके मन में है क्या शपथ लेने की, सौगंध खाने की मन में है क्या भगवती की? जोर से बोलो सही है क्या? तो एक सौगंध खाए क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाथ ऊपर करो फिर सब सबके सब जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे मैं सोचूंगा वो अपने समाज का नहीं है भैया, या फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का व्यक्ति है। सबके सब हम मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राजपूत, हरियाणा के राजपूत, अब की बार इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। हमारी महिलाओं के सम्मान में, हमारे इतिहास के सम्मान में, हमारे ऐतिहासिक पात्रों के सम्मान में हम सब एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हम माँ भगवती की सौगंध खाते हैं एकजुटता से। जो व्यक्ति जीतेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके साथ खड़े होंगे। जय हिंद जय भारत। आप सब लोगों से विनती है, आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं, धूप बहुत है, आप सब लोग यहाँ पधारे, जो कसम खाइए उस पर अधिक रहना। राजपूत का जाया कभी शक्ति की सौगंध खा के, क्योंकि हम शक्ति के उपासक हैं।